हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल ब्लॉग। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग 10 mm एग्रीगेट का सीव एनालिसिस किए थे और उसका कैलकुलेशन किए थे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 20 mm एग्रीगेट का सीव एनालिसिस करेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में ये सारी चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अगर ये सब चीज आपको नहीं पता है तो वीडियो के लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। आज मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है, कि किस तरह से इसका टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और कौन कौन सा सीव यहाँ पर इसमें यूज किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा और इसका कैलकुलेशन बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं सीव साइज की बात करूं तो सबसे पहले 40 mm लगेगा, उसके बाद 20 mm, फिर 10 mm, फिर 4.75 mm, उसके बाद सबसे लास्ट में पेन। आपको सीव किस तरह से अरेंज करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारा सीव है, ठीक है। जब कभी भी सीव लगाओगे, सबसे पहले आपको नीचे का सीव लगाना है, ठीक है। नीचे में आपका आ जाएगा पैन। यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। सबसे नीचे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है सबसे नीचे पैन, ठीक है। उसके बाद है 4.75 mm, फिर है 10 mm, उसके बाद है 20 mm, फिर है 40 mm। यहाँ पर उसी तरह मैं आपको बताता हूँ, सबसे नीचे आ जाएगा आपका पैन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 4.75 mm, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 10 mm, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 20 mm, इसके बाद यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा, सबसे ऊपर में 40 mm, 40 mm। अब चलिए मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम सैंपल जो यूज करने वाले हैं वो 5000 ग्राम यूज करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर वेट रिटेन लिख लेना है, ठीक है। सीव करने के बाद जो वेट रिटेन होगा उसको लिख लेना है। बस यहाँ पर डेटा है, सीव करने के बाद जो आया मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 40 mm में मेरा रिटेन हुआ था 0 यूनिट, सारे ग्राम में है। 20 mm में रिटेन हुआ था 560 ग्राम, ठीक है। और 10 mm में रिटेन हुआ था, और 10 mm में रिटेन हुआ था 4140, ठीक है। और 4.75 mm में रिटेन हुआ था 300, और पैन में जो हमारा आया था 0, यानी कि जो हमारा एग्रीगेट है उसमें डस्ट पूरा 0 है, मतलब डस्ट नहीं है। अब नेक्स्ट है परसेंट ऑफ रिटेन। परसेंट ऑफ रिटेन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो डेटा यहाँ पर है उसको टोटल वेट से डिवाइड कर देना है। टोटल वेट हमारा कितना है, 5 kg, मतलब कि 5000 ग्राम। यहाँ पर इसको 5000 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इंटू 100 कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट यहाँ पर 560 ग्राम, तो 560 को 5000 से यहाँ पर डिवाइड कर देना है, ठीक है, इंटू 100 कर देना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 11.2। नेक्स्ट इसी तरह इसको 5000 से डिवाइड करना है, इंटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा 82.8। नेक्स्ट है 300, 300 को भी 5000 से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 6। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव रिटेन परसेंट, ठीक है। क्यूमुलेटिव फाइंड करने के लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। आपको एक ही चीज याद रखना है, क्या करना है, देखना है, 0 यहाँ पर तो 0 लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इससे ऐड करते जाना है, ठीक है। 0 को ऐड करो 11.2 से, कितना आएगा 11.2। अब 11.2 को ऐड करो 82.8 से, कितना आएगा 94। अब 94 को ऐड करो 6 से, कितना आ जाएगा 100। नेक्स्ट है परसेंट पासिंग, तो परसेंट पासिंग फाइंड करने के लिए देखना, 40 mm में हमारा 0 रिटेन हुआ तो मतलब कि 100% पास हो गया, ठीक है। कैसे, देखो मान लो कोई रिटेन हुआ ही नहीं, जितना भी एग्रीगेट था, ठीक है, सीव में वो सारा पास हो गया, तो क्या हुआ, मेरा 100% पासिंग हो गया यहाँ पर। अगर 100% पासिंग यहाँ पर नहीं रहता, मान लो कि 10 यहाँ पर रहता था, आपको क्या करना था, 100 से 10 को माइनस कर देना था, यहाँ पर कितना आ जाता 90। लेकिन यहाँ पर 0% रिटेन है तो कितना हो जाएगा 100% पासिंग। अब इस 100 को क्या करना है, इससे माइनस करना है 11.2 से, कितना हो जाएगा 88.8। अब 100 को माइनस करना है 94 से, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6। अब 100 को माइनस करना है 100 से, ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन हो गया। अब आगे देखना, यहाँ पर है लिमिट एज पर IS-383। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखना, ये बोल रहा है कि 40 mm सीव में, ठीक है, जो हमारा परसेंट आना चाहिए, परसेंट पासिंग, वो 100% आना चाहिए, तो हमारा 100% आया हुआ है। देखना यहाँ पर कैसे लिमिट से मैच किया जाता है और कैसे पता किया जाता है पास है कि फेल है टेस्ट, अभी पूरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट यहाँ पर 85 to 100% के बीच में यहाँ पर परसेंट ऑफ पासिंग आना चाहिए, तो हमारा कितना है 88.8, मतलब ये दोनों के बीच में ही है, ठीक है, मतलब ये भी पास है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 mm में है, देख सकते हो 10 mm में बोल रहा है कि 0 से 20% के बीच में यहाँ पर परसेंट ऑफ पासिंग आना चाहिए, कितना है 6 है, तो 0 से बीच के बीच में ही है, मतलब ये भी पास है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर 0 से 5 के बीच में आना चाहिए लिमिट बोल रहा है, यहाँ पर कितना है 0 है, मतलब ये भी पास ही है, ठीक
ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको मैच करके बता दिया था, इस टेस्ट को क्या बोल सकते हो, पास है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो रिमार्क्स है, रिमार्क्स में आपको क्या लिखना है, पास है या फेल है इसके बारे में लिखना है। तो ये टेस्ट क्या है, पास है, आपको मैच करके मैंने बता दिया। ठीक है, और दोस्तों इस फॉर्मेट का पूरा अगर वीडियो डिटेल में देखना चाहते हो, ठीक है, तो लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से जा करके आप देख सकते हो। और दोस्तों एक चीज और, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं, सारा जितना सारा टेस्ट साइड में होता है, तो मैंने प्लेलिस्ट नीचे लिंक में दे रखा है, वहां से भी जा करके आप देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।